हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल पुल दिस साइट। सो जस्ट देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है ना, अराउंड गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए प्रीवियसली एनालिसिस का वीडियो डाला नहीं है, बट अभी देखते हैं लाइव मार्केट में हमको जो सेंटिमेंट दिखता है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। यूएस का डाउ जोन्स बहुत, मतलब जो यूएस मार्केट है वो बहुत नेगेटिव रहा कल, है ना, और एक बैंक है उसने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। सो देखते हैं ओवरऑल मार्केट पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अराउंड 50 EMA के नीचे ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी माइट हो सकता है कि 43,000 तक आ जाए, है ना, फिर हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड रिवर्सल करे, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नेगेटिव चला जाएगा। सेम वैसे ही निफ्टी में, निफ्टी 18,113 पे ओपन हो रहा है। अभी इसमें चांसेस है कि ये अगर इसने 18,100 ब्रेक किया तो 18,060 तक हमारे लिए लेवल्स हैं डाउनसाइड में। सो देखते हैं मार्केट को ओपन होने दीजिए, कोई अच्छी सी पोजीशन दिखती है उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, है ना, क्योंकि अभी एक दो दिन मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक पॉज कैंड काइंड ऑफ पॉज कैंडल बना दी है, ठीक है, जो कि अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, और ये कंटिन्यू 5-6 दिन हो चुके हैं ग्रीन ग्रीन के, तो अब एक रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्केट को ओपन होने दीजिए, उसके बाद हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 43,100 की रिस्पेक्ट करते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, और निफ्टी 18,060 लेवल का सपोर्ट ले रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि 18,060 पे एक सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर थोड़ा और नीचे आ जाए ना, 80,040 समथिंग, और इसके नीचे फिर 80,000 है सीधा। तो देखते हैं मार्केट कैसा वर्क करता है, थोड़ा हमको ये लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो गाइज, ये यहाँ पे ब्रेक होते ही हमने, मतलब थोड़ा नीचे जाते हैं, हमने ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है कि, और निफ्टी ने ब्रेक भी कर दिया 18,060 लेवल। सो थोड़ा और नीचे आने देते हैं, इसके बाद हम देखते हैं शायद अच्छा खासा टारगेट हमको मिल जाए। बस एक स्कैल्प आपको एक लॉजिक बताता था कि 18,060 एक बहुत अच्छा लेवल था जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और फिर उसके बाद नीचे जाने लगा। अभी हमारे लिए प्रॉफिट ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब एक खाली लॉजिक बताने के लिए मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, बट ओके जो भी है, कुछ खास हुआ नहीं। जैसे ही देखिए स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको लॉजिक शेयर किया और एक प्रॉफिट छोटा सा बताया। बैंक निफ्टी में मैं ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी के लिए वेट कर रहा था, है ना। अभी हो सकता है, देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्या था, हमने कितने पे लिया था, ये 101 पे समथिंग लिया था एंड 108 समथिंग पे बेच, मतलब 6-7 पॉइंट लिए। बट ये देखो, ये जो एकदम बिगनर्स है ना उनके लिए है कि आप एक ही लॉट से करो, है ना। एक बार मैंने 4 लॉट से 5 लॉट से कर दिया था, तो दूसरे दिन मतलब मेरे को DM कर रहा था इंस्टा पे कि तुम्हारे कारण लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं एक लॉट से करके दिखाता हूँ आप लोग को कि एक ही लॉट से करो, बिगनर्स हैं ये स्टार्टिंग में, है ना। कुछ लेवल से आप मार्क कर लो 18,000, मतलब एक साइकोलॉजिकल्स लेवल्स रहती है ना। आप प्रीवियसली जाके देखेंगे तो यहीं कहीं पे, ये देखिए प्रीवियसली यहाँ पे ही मार्केट क्लोज किया था। सो ऐसे कुछ लेवल्स रहते हैं इसमें, या आपके पास कोई सेटअप हो, है ना। मेरा मोटिव आपको ये प्रॉफिट दिखाना नहीं, खाली लॉजिक शेयर करना था कि मैंने देखिए, और अपने अपने डिसिप्लिन रहता है ना, आपका डिसिप्लिन आपने देखा होगा कि जब मैंने बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। सो जैसे इसने ब्रेक किया मैंने तुरंत एक पुट बाय कर लिया। और एज एन स्कैल्पर यार, आप ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, ना आप SL लगा सकते। देखो स्कैल्पिंग में SL नहीं लगता, क्योंकि उसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो बहुत कम पॉइंट्स का रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आपको फास्ट मूव करना पड़ता है। अगर आपका लॉस दिखा रहा है 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट, तो एग्जिट कर दो, वो लेके एग्जिट कर दो, है ना, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अभी तो मैंने एक लॉट से किया, रीज़न मैंने बताया है ना कि फिर लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे कारण लॉस हो गया। सो रीज़न वही था कि सॉरी, तो बात वही थी, है ना। ये देखो अभी यहाँ से रिवर्सल हो गया, अभी अगर मैं इसको होल्ड करता तो मेरा ऐसे लेट हो जाता 18,060। आप एक बार ओपन करो 18,050 NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना, मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, जस्ट आप देख लेना, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, होप से ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अभी देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी होती है ना, अगर आप लगा देते तो आपके दोनों तरफ से SL हिट होते थे। सो कुछ कुछ चीज़ें उतनी नहीं वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है, ओवरऑल साइकोलॉजी मैटर करती है। सो होप से ज़्यादा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा थोड़ा बहुत भी। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड लाइव वीडियोज़ में लाता रहूँगा, है ना। कि लाइव में इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग को यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ, एक लॉट से मुश्किल से कितना, एक 3 सेकेंड होल्ड किया हूँगा, है ना, 3 सेकेंड में मेरा जो भी था उतने लेके निकल गया, अगर होल्ड करता तो ऐसा लेट होता।
मतलब मेरे को एग्जिट करना पड़ता, सी टू सी निकलती था। सो होप से आप समझ गए होंगे ना, तो प्लीज़ यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। लर्निंग पॉइंट्स में, लाइव में लर्निंग पॉइंट्स इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग लाइव में समझ पाओ, बाकी मार्केट बंद होने के बाद बोल बच्चन सब देते हैं। तो चलिए अभी आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, है ना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तबीयत खराब है बट स्टिल एक वीडियो बनाना ही था लर्निंग का। सॉरी, अभी आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।